सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि लोग सभी जानते ही हैं कि डीसी यूनिवर्स में काफ़ी सारे स्टूपिडली ओवरपावर्ड बीइंग्स और कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां इन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स को जो है उनकी पावर बेसिकली किसी तरह की डिफरेंट या स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट से मिलती है। और इसी कैटेगरी में लाइक करते हैं ग्रीन लैंटर्न कॉप्स, यानी कि डिफरेंट ग्रीन लैंटर्न, जिन्हें बेसिकली उनकी पावर्स ग्रीन लैंटर्न रिंग या तो कहो पावर रिंग से मिलती है। और नट टॉक्स के आज के इस एपिसोड में मैं ग्रीन लैंटर्न रिंग या कहो पावर रिंग से ही रिलेटेड हर एक डिटेल को तुम्हें जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि हाउ आर दे गॉट क्रिएटेड, व्हाट दे कैन क्रिएट और इनकी क्या क्या एबिलिटीज़ और कह सकते हो कि स्पेसिफिक वीकनेस हमें देखने को मिली है टाइम टू टाइम इन कॉमिक्स। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पावर रिंग इजिली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स में से एक है जो डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पावर रिंग या तो कहो ग्रीन लैंटर्न रिंग बेसिकली अपने यूजर के विल पावर पे ही जो है वर्क करते हैं। जिस कैरेक्टर का विल पावर जितना ज़्यादा होगा उसी तरीके से वो कह सकते हो कि पावर रिंग के पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आखिर इसे क्रिएट कैसे किया गया, पावर रिंग्स को क्रिएट किसने किया और कैसे किया गया था। सो जो सबसे पहला सेट ऑफ पावर रिंग या कहो ग्रीन लैंटर्न रिंग था, उसे रामी नाम के एक गार्डियन ने क्रिएट किया था बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ प्योर रॉ विल। और इसी को देखते हुए जो है आगे चल के डिकेड लेटर्स जो है एक्चुअल में गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिंग्स को क्रिएट किया बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ, जिसे जाके आगे डिसाइड किया जाता है कि जो पावर रिंग रहेगी वो कह सकते हो कि अपने यूज़र को खुद डिसाइड करेगी और अपनी यूज़र जो यूज़र उसके लिए वर्थी होगा उसे पावर रिंग खुद चुनती है, जैसा कि हमने कॉमिक्स में टाइम टू टाइम देखा है। लेटर कॉमिक्स में जाके ये भी रिवील होता है कि अगर कोई लैंटर्न इतना ज़्यादा कैपेबल है, उसकी विल पावर में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो जो है इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कह सकते हो कि इमोशन को हार्नेस कर पाए, तो वो भी एक लैंटर्न रिंग क्रिएट कर सकता है, जैसा कि हैल जॉर्डन ने कॉमिक्स में कर रखा है। अब यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि आखिर जो है ग्रीन लैंटर्न रिंग की पावर कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं जो इसकी सबसे बेसिक पावर निकल के आती है वो ये है कि पावर रिंग या कहो ग्रीन लैंटर्न रिंग से कोई भी कैरेक्टर कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, किसी भी तरीके के कह सकते हो कि क्रिएशन कर सकता है। तो आखिर बेसिकली इसकी लिमिट कहाँ तक है? तो लिटरली अगर देखा जाए तो इसकी जो ओनली लिमिट है वो उसके यूज़र के इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। उसका यूज़र जो चाहे वो कह सकते हो कि ग्रीन लैंटर्न रिंग से क्रिएट कर सकता है। कोई भी पॉकेट डायमेंशन हो गया, कोई शिप हो गया, या कोई कह सकते हो कि इंडिस्ट्रक्टिबल किस्म का आर्मर ही क्यों ना हो, ग्रीन लैंटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक जो है काउंट किए जाते हैं। और उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न निकल के आता है उनकी पावर रिंग, क्योंकि उनकी पावर रिंग लिटरली कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है उनके इमेजिनेशन के ऊपर से, और इसी में जो है उनका विल पावर का भी बहुत ही बड़ा हाथ निकल के आता है। सो अब बात कर लेते हैं कि पावर रिंग से जो है उसके यूज़र को किस तरीके की एबिलिटीज़ और वीकनेसेस जो है देखने को मिलती हैं। अब बेसिकली पावर रिंग या तो कहो ग्रीन लैंटर्न रिंग उसके यूज़र को कह सकते हो कि काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट, एनर्जी मैनिपुलेशन, टाइम ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, पोर्टल क्रिएशन और ऐसी काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़। अब ओरिजिनली कॉमिक्स में स्टार्टिंग के टाइम पे जो कह सकते हो कि पावर रिंग थी उसे 24 आवर्स पे जो है चार्ज करना पड़ता था, बट फिर इसे जो है कह सकते हो कि टोटली कॉमिक्स से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि आगे चल के ये काफ़ी मेस्ड अप आइडिया था। और इवेंचुअली अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो न्यू 52 रिवर्स जैसे रन्स के अंदर हमें यह मोस्टली देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर कोई यूज़र अपनी पावर रिंग को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि हाई इफेक्टली यूज़ करता है तो वो उसे एग्जॉस्ट कर सकता है। बट टोटली अब जो है कॉमिक्स में यूज़र्स कह सकते हो कि अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग के पावर को अपने विल पावर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अब हम लोग आए वीकनेस के ऊपर, तो बेसिकली जो कह सकते हो कि फियर एंटिटी हो गई, यानी कि जो सिनिस्टर लैंटर्न कॉप्स हो गए, जो येलो लैंटर्न कॉप्स हो गए, वो एक काफ़ी बड़ी वीकनेस निकल के आती है ग्रीन लैंटर्न के। यानी कि ग्रीन लैंटर्न जो हैं वो इनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार येलो लैंटर्न जो हैं ग्रीन लैंटर्न के ऊपर सुपीरियर साबित होंगे। और ये सेम चीज़ आती है रेड लैंटर्न कॉप्स के अगेंस्ट भी, रेड लैंटर्न भी ग्रीन लैंटर्न के ऊपर सुपीरियर निकल के आते हैं, वो जो है ग्रीन लैंटर्न को वल्नरेबल बना देते हैं। बट काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि जो ग्रीन लैंटर्न हैं वो रेड लैंटर्न के ऊपर भी सुपीरियर निकल के आए हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ और वीकनेसेस भी हमें ग्रीन लैंटर्न रिंग या कहो पावर रिंग की देखने को मिली हैं कॉमिक्स के अंदर। इतनी सब बात हो चुकी है तो अब कुछ फीट्स को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ग्रीन लैंटर्न रिंग्स या कहो पावर रिंग से जो है उसके यूज़र कितने ज़्यादा कैपेबल निकल के आते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे हैल जॉर्डन ने कह सकते हो कि ग्रीन लैंटर्न रिंग या कहो पावर रिंग की मदद से क्रोना, जो कह सकते हो कि डीसी यूनिवर्स
वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स में से एक रहा है उसे डिफीट किया था, जो कोई छोटी मोटी चीज़ तो निकल के आती नहीं है। साथ ही साथ हैल जॉर्डन ने जो है अपने कह सकते हो कि अपोजिशन यानी कि सिनिस्ट्रो को विथ हैविंग फियर रिंग या कहो सिनिस्ट्रो लैंटर्न कॉप्स की जो रिंग होती है येलो लैंटर्न रिंग, उसके होने के बावजूद भी उसे मार दिया था, जो कोई छोटी मोटी चीज़ निकल के नहीं आती है। और देखा जाए तो एक बार एलन स्कॉट ने अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग की मदद से डिफरेंट कैरेक्टर्स के एज को ही चेंज कर दिया था, जो ये साबित करती है कि ग्रीन लैंटर्न रिंग या को पावर रिंग की मदद से उसका यूजर जो है एज मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। एक मोमेंट पे एलन स्कॉट ने एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड एम्प्ड सोलोमन ग्रंडी को भी डिफीट कर दिया था बड़ी ही आसानी से अपनी पावर रिंग का यूज़ करते हुए। और एक मोमेंट पे तो काफ़ी सारे ग्रीन लैंटर्न्स ने बड़ी ही आसानी से काफ़ी बड़े ब्लैक होल को सर्वाइव कर लिया था उनकी पावर रिंग की मदद से, जिसकी वजह से तुम्हें एक रफ आइडिया तो मिल ही चुका होगा कि जो पावर रिंग है उसके यूज़र को काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवर पावर तो बना ही देती है, लेकिन साथ ही साथ पावर रिंग या को ग्रीन लैंटर्न रिंग जो है डीसी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट्स में से एक है। सो गाइज, ये थी वीडियो कह सकते हो कि ग्रीन लैंटर्न रिंग या को पावर रिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानता हूँ ये वीडियो डिफरेंट वीडियोस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, बट जितने कम समय में तुम्हें मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्सअप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुमने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अगर फॉलो नहीं किया है तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।